धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हुए एक घंटे तक मौन धरना दिया। साथ ही सरकार से उनके वंशज की हत्या किए जाने को लेकर भाजपा ने कई सवाल किए, साथ ही मुआवजे की मांग भी की। आपको बता दें कि बीते दिनों सिद्धू कानू के वंशज की अज्ञात अपराधियों के द्वारा साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में हत्या कर दी गई है, जिसके बाद अभी तक अपराधियों की धरपकड़ नहीं हो पाई है, जिसको लेकर भाजपा कई गंभीर सवाल किए हैं। धनबाद जिला भाजपा ने सरकार से इस मामले में अविलंब कठोर कार्रवाई करने की मांग की है और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार अविलंब झारखंड के शहीद वीर सपूत के वंशज के हत्यारों को गिरफ्तार करे, साथ ही साथ 10 लाख का मुआवजा उनके परिजन को दिया जाए और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी अविलंब दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनके वंशज की हत्या से पूरा झारखंड हतप्रभ है। उन्होंने झारखंड सरकार से अविलंब मुआवजा और नौकरी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके परिवार और मारे गए उनके वंशज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मूल दिवस पर हम लोग एक घंटे का मौन धरना रहे। इस अवसर पर हम लोगों ने सिद्धू कानू जी को श्रद्धांजलि दिया और जो महान स्वतंत्रता सेनानी खास करके झारखंड में हम जिन्हें देवता के रूप में देखते हैं, ऐसे सिद्धू कानू जी के वंशज रामेश्वर मुर्मू जी की साहेबगंज के मोगनाडी में एक खास समुदाय के द्वारा हत्या की गई कर दी गई। हमारी सरकार के कानों पे चू नहीं देख रहा, यह सरकार बैठी हुई है। नाटक तो और वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा है और इसीलिए आज हम लोगों ने स्कूल दिवस पर एक घंटे का मौन रख करके विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार से भी आग्रह किया है, माननीय राज्यपाल महोदय को भी हम लोगों ने ज्ञापन भेजा है कि इस सिद्धू कानू जी के वंशज रामेश्वर राव जी की हत्या को की सीबीआई जांच कराई जाए, 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और उनके पत्नी को सरकारी नौकरी मिले। क्या हम आज के दिन मांग करते हैं और मौन इस धरना का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था। स्कूल दिवस में हम सिद्धू कानू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जब उनके साथ न्याय होगा, सीबीआई जांच होगी और अपराधी शिकंजे में होंगे, उनको 10 लाख रुपए का उनके परिवार को रामेश्वर मुर्मू जी के परिवार को मुआवजा मिलेगा और उनके पत्नी को नौकरी मिलेगी, तब हम मानेंगे कि सरकार सिद्धू कानू जी को याद करती है सच्चे दिल से। आज देख रहे होंगे जिस तरह से रामेश्वर मुर्मू जी का, जो सिद्धू कानू जी का जो परिवार थे और जो उनका निर्मम हत्या कर दिया गया और हमारी सरकार जो चुप है, न कोई जांच का आदेश दे रहा है, न कोई मुआवजा दे रहा है, न उनका पत्नी का सहायता दे रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते मैं जो विरोध करता हूँ और मैं मांग करता हूँ सरकार से मांग करता हूँ कि उनको जो है जल्द से जल्द 10 लाख मुआवजा दे, उनकी हत्या कैसे हुई उसका जो है अविलंब सीबीआई का जांच हो और उसके बाद जो है उनकी पत्नी को जो है जीविकापार्जन के लिए 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। ये सरकार से मांग करता हूँ, अविलंब जो है न्याय मिले, दूध का दूध पानी का पानी मिले, जो भी होगा सीबीआई का जांच सभी मिले। अब वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से वोट की अगर राजनीति होगी तो जो है निर्दोष मारे जाएंगे और न्याय नहीं मिल पाएगा और जो है उस तरह से लोकतंत्र पर जो है महान स्वतंत्रता वीर स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कानू जी का जयंती दिवस, जिसे हम हूल दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं। पिछले दिनों शहीद सिद्धू कानू जी के छठे वंशज, जिनका की नाम रामेश्वर मुर्मू है, उनकी निशंस हत्या हो गई और अभी तक हत्यारे का कोई अता पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज इस एक घंटे के मौन धरना के माध्यम से हेमंत सोरेन जी की सरकार से यह मांग करती है भारतीय जनता पार्टी कि इस हत्या की सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ मृतक के
परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिले एवं उनकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी झारखंड सरकार मुहैया करे। हम स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करते हैं और इस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, उनके परिवार के साथ जब इस तरह की घटना इस हेमंत सोरेन की सरकार में हो सकती है तो आम जनता कहां तक सुरक्षित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि उनके हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उसकी सीबीआई की जांच हो और मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की राशि एवं उनकी पत्नी को एक नौकरी, सरकारी नौकरी झारखंड सरकार दे। इसी के लिए आज शहीद रणधीर वर्मा चौक पर हम सबों ने 1 घंटे का मौन धरना दिया।